आपको अपने प्रश्न का उत्तर जानने का पूरा अधिकार है। परंतु मैंने मैंने तो सत्य जाने बिना एक ऐसी भूल कर दी जिसके लिए जीवन भर प्रायश्चित करूं तो भी दोष मुक्त नहीं हो सकता। भूल तुम्हारी या देवी मुकुंदा की नहीं है, भूल तो देवराज इंद्र से हुई है। मनुष्य बिना कामना के कैसे हो सकता है प्रभु? हमने इस भक्ति के पीछे कामना की बात की है, ऐसे भक्त को हम बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। मैं सत्य हूं। अष्टविनायक प्रसंग में आज से मैं आपके लिए भगवान मयूरेश्वर की लीला कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। भगवान मयूरेश्वर के कारण ही मोरे गांव का श्री गणेश धाम प्रसिद्ध है, जहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। क्यों न इस प्रसंग का आरंभ करें महादेव शिव एवं माता पार्वती से। वो भी तो आज भगवान गणेश के इस मयूरेश्वर अवतार की वार्ता में व्यस्त हैं। देवी, लगता है आज आप अतीत की स्मृतियों में खो गई हैं। तभी तो कभी आप प्रसन्न होती हैं तो कभी गंभीर। हाँ स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। मेरी स्मृति पटल में वे अनेक दृश्य आ रहे हैं जो पुत्र गणेश की लीलाओं से जुड़े हैं। एक बार सिंधु नाम के राक्षस ने कैलाश पर आक्रमण किया था और पुत्र गणेश ने मेरी रक्षा की थी। देवी, ये सत्य है। ये घटना आपके पुत्र गणेश के मयूरेश्वर अवतार से जुड़ी हुई है। स्वामी, पुत्र गणेश के मयूरेश्वर अवतार का विस्तार से वर्णन करें। गणेश की लीलाएं सुनकर मैं आनंदित होती हूँ। देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। गणकी नामक नगर में एक चक्रपाणी नाम का राजा रहता था और उसकी पत्नी का नाम उग्रा था। उत्तर अवस्था प्राप्त होने पर एक दिन राजा चक्रपाणी ने बृहद सभा का आयोजन किया। समस्त मंत्रिगण और नगर के प्रबुद्ध जनों का मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सभा के समक्ष मैं एक बहुत ही अहम घोषणा करना चाहता हूं, जिसमें आप सबकी सहमति आवश्यक है। रानी और मैं उत्तरा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, यह आप सभी को ज्ञात है। शास्त्राज्ञा अनुसार हमें बहुत शीघ्र वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारी प्रजा के लिए भी उचित रहेगा और श्रेष्ठ भी। प्रणाम महाराज। स्वामी, त्रिलोक के प्रसिद्ध वेद वेदांग शास्त्रों के प्रसिद्ध वक्ता महामुनि शौनक जी पधारे हैं। मंत्री साम और सुबोधन जी, महाराज आप दोनों शीघ्र द्वार पर जाइए और महामुनि शौनक को आदर सहित सभा में लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महामुनि। कल्याण मस्त, आपका कल्याण हो। राज दरबार में पधारे महामुनि। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कल्याण। मुनि श्रेष्ठ पधारे। राजन, मैं देख रहा हूं ये मंत्री परिषद के सदस्य और वरिष्ठ नागरिक यहां विराजमान है। ऐसा क्या गंभीर विषय आ खड़ा हुआ है जिस पर यहां चर्चा हो रही है? मुनिवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम और रानी उत्तरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए शास्त्राज्ञा अनुसार हमारा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना बहुत अनिवार्य है। राजन, अभी आपको वानप्रस्थ आश्रम जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके राज्य की शासन प्रणाली राजतंत्र पर आधारित है, प्रजातंत्र पर नहीं। इसमें प्रजा के लिए परंपरागत रूप से आपका उत्तराधिकारी होना आवश्यक है, चाहे वो छोटा बालक हो। परंतु ये कैसे संभव है? हम तो संतानहीन हैं, हमारा कोई औरस पुत्र भी नहीं है। फिर इस प्रजा को परंपरागत उत्तराधिकारी कैसे प्राप्त होगा? राजन, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके राज्य को आपका अपना औरस पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए कहीं भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने महलों में ही रहना है, यही नियमित राजकाज चलाते हुए तप अनुष्ठान पूर्ण करना है। कैसा तप, कैसा अनुष्ठान मुनिश्रेष्ठ? आपको विधिवत भगवान गणेश का पूजन करते हुए उन्हीं के संरक्षण में भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी होगी। और हां, आपकी पत्नी भी आपकी तरह उस अनुष्ठान में भागीदार होंगी। अनुष्ठान काल में सत्पात्रों को दान, असहाय और निर्धनों की सेवा, सहायता एवं दान पुण्य के साथ धर्म कर्म का भी पालन करना है। स्मरण रहे, आप दोनों ब्रह्मचर्य के पालन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दें। हे महामुनि, अपनी पत्नी सहित मैं आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करूंगा। आपके चरणों में मेरा शत शत नमन मुनि श्रेष्ठ। आपका कल्याण। स्वामी, कैलाश धाम में आपकी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेने के लिए देवतागण, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षियों का रूप धरकर पग पग पर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। कृतयुग में महोत्कट के रूप में तो आपने 16 वर्ष तक की उम्र में ही अद्भुत कर्म किए, दुर्दान्त असुरों को यमलोक का मार्ग दिखाया, काशी नरेश की सहायता करके वहां की प्रजा को संकट से बचाया, घर घर जाकर जन जन को जो आपने अपना सानिध्य लाभ दिया, वह तो देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। प्रभु, अब आप आगे क्या क्या लीलाएं रचने वाले हैं, तनिक हमें भी तो बताइए। देवी, सब जानते हुए भी तुम मुझसे ही पूछ रही हो। भूत, भविष्य, वर्तमान का जो ज्ञान तुम्हें है वो और किसी को हो सकता है क्या? हाँ, शीघ्र ही वो कारण उपस्थित होने वाला है जिससे मुझे धराधाम पर एक नया अवतार लेना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप कुछ मत कहिए, हम ही बता देते हैं। आपका नया अवतार मयूरेश्वर के रूप में होगा। वहां भी आपकी अद्भुत लीलाएं देखकर हम आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। तभी तो मैंने कहा था कि आप दोनों भूत भविष्य और वर्तमान जानती हैं, और जानकर भी
आप दोनों मेरे भावी अवतार के बारे में पूछ रही हैं। क्षमा कीजिए स्वामी, किसी भी बात को जानते हुए भी उसका आपके श्रीमुख से अनुमोदन हमें सुख देता है। लगता है भूलोक में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है और हमें ज्ञात है कि ये आपकी ही लीला है। मैं सत्य हूं। महामुनि शौनक के कथनानुसार महाराज चक्रपाणि तथा महारानी उग्रा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संतान प्राप्ति हेतु सूर्योपासना करने लगे और इस प्रकार दिन रात साधना करते हुए धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। ओम सूर्य नारायणाय नमो। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। स्वामी
प्रिय, क्या हुआ प्रिय? तुम इस तरह हाँफ क्यों रही? शरीर पर इतना पसीना, सब कुशल तो है? स्वामी अनर्थ हो गया। स्वामी तो अपने कक्ष में आराम कर रहा था, तुम्हारे कक्ष में आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अवश्य कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। हम कल प्रातःकाल ही मुनिराज शौनक ऋषि के आश्रम में जाएंगे और उन्हें इस घटना से अवगत कराएंगे। रात अभी बहुत बाकी है, तुम विश्राम करो। प्रणाम मुनिवर। शुभ मस्तु, कल्याण वस्तु, आप सबका मंगल हो। राजन, आज प्रातः बिना किसी पूर्व सूचना के आपका आना, सब कुशल तो है? राजन, अनुष्ठान के अंतिम चरण में रानी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन, चाहे वो स्वप्न में ही क्यों ना हो, शुभ नहीं कहा जा सकता। राजन, आपको पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु वो कैसा होगा, उसके स्वभाव संस्कार कैसे होंगे, यह सब भविष्य के गर्भ में निहित है। समय से पहले इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। न जाने कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। भविष्य के गर्भ में क्या निहित, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। स्वामी, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। रानी उग्रा मुनि शौनक के बताए हुए नियमों का भली प्रकार पालन न कर सके। प्रभु, क्या स्वप्न में हुई भूल भी अपराध बन जाती है? पार्वती, मनुष्य के कर्मों के पीछे उनके मन संवेग प्रमुख होते हैं। स्वप्न में भी मन की प्रेरणा ही काम करती है। किसी भी प्रकार की कामना रख कर किए गए धर्म अनुष्ठानों में मन, वचन, कर्म के स्तर से संबंधित नियमों की अनुपालना अत्यंत आवश्यक होती है। सकाम कर्म में किसी भी प्रकार की भूल कार्य सिद्धि में बाधक ही नहीं, अपितु बड़ी हानि का कारण भी बन जाती है। उग्रा की भूल के कारण चाहे वो स्वप्न में ही हुई हो, उसका अनुष्ठान तो भंग हो ही गया है। उसका विपरीत परिणाम भी शीघ्र ही सामने आने वाला है।
प्रसव से जन्मे बालक को देखकर रानी ने बालक को सिंधु जल में छोड़ देने का आदेश दिया। कोई भी स्त्री भ्रूण हत्या करेगी अथवा वो अपने नवजात शिशु को बेबस मरने के लिए उसका परित्याग कर देगी तो वो मृत्यु दंड की अधिकारी होगी। यदि माता के जीवन नाश की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस गर्भस्थ शिशु को त्याग देने का अधिकार भी हमारा संविधान देता है।